भाई दाल खिचड़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइट फूड चाहिए या प्रेशर गेम है तो दाल खिचड़ी काम आता है। जब मिल जाए तब बढ़िया है, गो टू फूड है, इजी और अच्छा था और इस तरह के इसमें फ्लेवर्स है तो फिर और भी फायदा है। आज के इस एपिसोड में मेरे दो टीम मेट्स तनुष कोटियन और कुणाल सिंह राठौड़ मुझे डिनर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तेरे को याद है कब मिले थे अपन? थोड़ा बहुत याद है, अपन अंडर 14 में एक साथ खेले थे, मुझे लगता है दिलीप बेंसरकर सर के टीम के एल्फ में, तभी अपन एक साथ मिले थे फर्स्ट टाइम। इसका तो अलग सीन था जब इससे मिला तुम्हें, पहले तो एनसी में मिले। हाँ, पहली बार एनसी में मिला था, फिर वो टाइम उसके बाद जब कैंप में जा रहे थे फर्स्ट टाइम। कैसा फीलिंग था जब भी तू आया टीम में और फर्स्ट टाइम आईपीएल, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, सबका ही मन है कि भाई आईपीएल में आ जाए, स्पेशली राजस्थान रॉयल्स में आया, तो कैसा फील हो रहा है? एकदम अलग लेवल फीलिंग है, एक ऐसा है कि एक लेवल ऊपर आया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अपन खेल रहे, एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे को देखने मिल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो एक बड़ी चीज़ है। अपन डोमेस्टिक में बहुत अलग तरीके से प्रिपरेशन होता है अपना, और यहाँ पे जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स सब है उनका प्रिपरेशन देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। और तेरा भाई तेरे को एक साल हो गया ऑलरेडी, दूसरा है भैया। हाँ मतलब भाई दूसरा चालू है, तो तू अपना बता कि जब भी तू टीम में आ रहा था तब तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं लास्ट टाइम आया था तो पहले तो आप लोग से मिला था, प्रियांग भैया, ध्रुव भाई, तो तभी आप लोगों ने बता दिया था एक चीज़ तो कि आके यहाँ पे चीज़ें सिंपल ही रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं, अपना मेहनत कर और खा पी मस्त रहे। पहले साल तो चीज़ें मेरे को भी फिगर आउट करने में टाइम लगा सीज़न के लास्ट तक कि कैसे सब होता है, सबके वर्क एथिक्स पता लगे कि मैच के पहले और मैच के बाद सब अपने वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करते हैं। बट ये सीज़न अभी मैं भी थोड़ा खुल के आया हूँ अच्छा लग रहा है, सबसे मॉर्निंग और अच्छी बन रही है, भैया से भी पहले मिल चुका हूँ मैं रुपये, और अच्छा लग रहा है साथी के, तो फिर एक अच्छा बॉन्ड है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी काफ़ी, हम दोनों साथ से काफ़ी खेले हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई तू आ गया राजस्थान, इसके ऊपर भी जाए यहाँ पे द ग्रेट इंडियन खिचड़ी, वो 20 तरह की है जो हर स्टेट में जैसे अलग अलग डिफरेंट टेस्ट होता है ना वैसी है, तो हम वो ट्राई करेंगे। तेरा मेमोरी बता दाल खिचड़ी का? भाई दाल खिचड़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइट फूड चाहिए या प्रेशर गेम है तो दाल खिचड़ी काम आता है। क्या बात है और तेरे बारे में क्या है ना दाल खिचड़ी का? जब मिल जाए तब बढ़िया है, गो टू फूड है। हाँ वो तो है, बहुत मतलब इजी और अच्छा था, और इस तरह के इसमें फ्लेवर्स है तो फिर और भी फायदा है। 19 बचे हैं इसके बाद। मेरी तो फेवरेट मतलब जो मेमोरी है, जब मुझे सर्दी होती है तो मैं मूंग दाल की खिचड़ी बहुत खाता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, वो काफ़ी फ्रेश होता है बॉडी। वैसे देखा जाए हेल्थ के हिसाब से मुझे लगता है बढ़िया, मोस्टली सब फास्ट के वक्त भी खाते हैं साबुदाना की खिचड़ी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो हम, मुझे लगता है कि हम और नज़दीक आते, बॉन्ड अच्छा बढ़ता है, और बैठ के साथ में दोस्तों के साथ में खाना खाना, फैमिली के साथ खाना खाना, एक दूसरे का केयर भी होता है, शेयर भी होता है। हाँ, और सबसे ज़्यादा बातें खाने के टाइम बनती है, ऐसी मजाक वो टाइम होता है। तो आप भी द ग्रेट इंडियन खिचड़ी अपने घर मंगाएं और अपने परिवार के साथ करीब आए। अपग्रेड टू इनफिनिटी।